स्टेट बिहार झारखंड की खबर के बड़े असर की। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने कटिहार के रुचि की समस्या को प्रमुखता से दिखाया था और अब रुचि के परिवार की मदद के लिए एमएलसी सामने आए हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिला है। कटिहार की ये मासूम बच्ची रुचि, जो आपके टीवी स्क्रीन पर देख रही है, इसकी मदद के लिए बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल आगे आए हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हमने सरकार के तमाम बड़े नेता और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर टैग भी किया था और रुचि के परिवार के मदद के लिए आगे आने की अपील की थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के सामने बच्ची के परिजन मजबूर दिखे। ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद को आगे आया, ना कोई जवाब आया। सरकार के नुमाइंदे सिर्फ आश्वासन देते रहे। न्यूज स्टेट की पूरी टीम ने इस बात को प्रमुखता से दिखाते हुए लगातार सवाल उठाया। खबर का असर देखने को मिला और बच्ची के इलाज के लिए बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल आगे आए। उन्होंने व्यवस्था की कि बच्ची और उसके पूरे परिवार को बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया जाए। हालांकि सवाल अब भी मौजा है कि सरकार से ये पूछा जा रहा है, 60 दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प करने का दावा करने वाली सरकार आम जनों के लिए इतनी भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो सवाल खड़े होंगे, कब लोगों को इलाज के लिए दर बदर भटकने से मुक्ति मिलेगी। तो रुचि का ये परिवार फिलहाल शुक्रगुजार है बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल का। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद अशोक अग्रवाल आगे आए और उन्होंने न सिर्फ भरोसा दिलाया रुचि और उसके माता पिता को कि वो हर कदम पर मदद के लिए मौजूद रहेंगे, बल्कि व्यवस्था की कि जल्द से जल्द इस बच्ची का इलाज बेहतर तरीके से हो और इसके लिए इसे कटिहार से एम्बुलेंस के माध्यम से पटना भेजा गया है, जहां इसे बेहतर उपचार मुहैया हो सकेगा। वो मुझे आज ज्ञात हुआ, उसका इलाज पहले भी भागलपुर में चला था 1 महीना और आर्थिक रूप से काफ़ी उसके गार्जियन का खर्चा हुआ, काफ़ी कर्ज भी है सुनते हैं उसके ऊपर में, तो वो अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उसको हमारे उसके गार्जियन से बात हुई है, उसको हम लोग पटना रेफर करवा के पटना में समुचित इलाज जो IGMS में या PMCH में या फिर एम्स में, जहाँ भी उचित इलाज होगा चिमकी बुखार का, निश्चित रूप से उसके इलाज कराया जाएगा। चूँकि बच्ची कटिहार की है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर मेडिकल के लिए तड़पे ऐसी होना नहीं चाहिए, तो है एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी अभी तुरंत ही, और जब डिस्चार्ज होती है वो तो सरकारी एम्बुलेंस उसको पटना भिजवाया जाएगा और निश्चित रूप से उसमें जो भी खर्च आएगा उसको हम लोग देख के सो करेंगे।